हर सीज़न में हर एज ग्रुप में आइसक्रीम सभी की फेवरेट होती है। वो हमारी स्वीटनेस की क्रेविंग को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप मैंगो लवर हैं और अगर आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो मेरी आज की ये रेसिपी आप सभी को आई होप ज़रूर पसंद आएगी। मैंने आज आप सभी के साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है। मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी के साथ मैंने यहाँ पर मैंगो बार की रेसिपी भी शेयर की है। वैसे तो मैंगो बार को वनीला आइसक्रीम से बनाया जाता है, पर मैं यहाँ पर इसे मैंगो आइसक्रीम से बना रही हूँ। मैंगो बार से बनाने पे भी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आम लिया है। इसे वॉश करके छील के पीसेस में कट कर लेंगे। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें मैंगो के पीसेस को ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून दूध पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे। इसमें मिल्क मेड डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसका एक इस तरह का स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा। एक बोल लेंगे, बोल में 1/4 कप दूध डालेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर की जगह इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे कस्टर्ड की स्लरी बनकर बिल्कुल रेडी है। एक पैन लेंगे, इसमें 2 कप दूध डालेंगे। जब ये दूध उबल कर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसमें आम की ये जो प्यूरी हमने रेडी करके रखी थी वो डालेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे। जब ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ करके इसे घुमाते हुए थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर से हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम की जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक बोल में व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। व्हिपिंग क्रीम रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ये थोड़ी सी चिल्ड होनी चाहिए। इसके बाद इसे अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि इसमें इस तरह के पीक्स ना दिखने लगे। हमारी व्हिपिंग क्रीम बीट होकर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। इसके बाद ये जो मिक्सचर हमने ठंडा किया है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। इसे इस व्हिपिंग क्रीम में ऐड करेंगे और फिर से इसे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी आइसक्रीम का बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर इस तरह के सिलिकॉन के मोल्ड लिए हैं जो चोकोबार आइसक्रीम के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें आइसक्रीम इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से इसे पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर से ढककर डीप फ्रीज करेंगे। अगर आपके पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं है तो आप इस तरह से डिस्पोजल कप्स या ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आइसक्रीम स्टिक इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे, इसे भी डीप फ्रीज करेंगे। बाकी का मिक्सचर हम एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें आम के कुछ पीसेस डालेंगे ऊपर से, इसे भी बटर पेपर से कवर करके डीप फ्रीज करेंगे। 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट रखने के बाद हम इसे चेक करेंगे। 7 to 8 आवर्स रेफ्रिजरेट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें मैंगो के कुछ पीसेस डालकर शुगर और वाटर डालकर इसे ग्राइंड करके इसकी एक इस तरह की स्मूथ प्यूरी रेडी करेंगे। इसे ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे। आइसक्रीम को सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। इन्हें हल्के हाथ से बाहर निकाल देंगे और ग्लास में हमने जो प्यूरी रखी थी उसमें डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से डिस्पोजल कप्स में सेट की हुई आइसक्रीम को भी इसी तरह से मैंगो प्यूरी में डिप करेंगे और इन्हें बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर में रखेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। हमारी आइसक्रीम चेक करते हैं। हमारी आइसक्रीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे कप्स में निकाल के चेरी और मैंगो के कुछ पीसेस से गार्निश करके सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे मैंगो आइसक्रीम बार्स और हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।